पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक कीट को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन हैं। पेस्टिसाइड्स कई तरह के होते हैं। हर्बिसाइड्स यानी शाकनाशक ये पौधों को नष्ट करते हैं। डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणुनाशक ये रोगाणु को दूर करते हैं। फंजीसाइड्स यानी कवकनाशक ये कवक को नष्ट करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशक जो कीड़े मारते हैं और रेपेलेंट्स यानी विकर्षक जो कीटों को दूर भगाते हैं। कई अन्य पेस्टिसाइड्स ऑर्थ्रोपोड्स यानी स्तंधिपाद पक्षियों मछली स्तनधारियों बैक्टीरिया और वायरस को नियंत्रित करते हैं। ये वीडियो सबसे आम इस्तेमाल वाले पेस्टिसाइड्स यानी हर्बिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स फंजीसाइड्स और बैक्टीरियासाइड्स और उनकी कुछ बुनियादी कार्रवाई विधियों पर केंद्रित होगा। कार्रवाई विधि वो तरीका है जिसके अनुसार कोई पेस्टिसाइड लक्षित पौधे जंतु या सूक्ष्म जीव पर जहरीला प्रभाव डालता है। पेस्टिसाइड कार्रवाई विधि को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सिस्टेमिक प्रणालीगत और संपर्क। सिस्टेमिक में वो पेस्टिसाइड शामिल होते हैं जो पौधे या जंतु के बाहरी सतह को भेद कर अंदर प्रवेश करके पत्तियों और जड़ प्रणाली या आंतरिक अंग को क्षति पहुंचाते हैं। कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड कीट नियंत्रण करते समय प्रभावित पौधे को नहीं भेदता है, ये किसी पौधे में एक बाधक अथवा विकर्षक की तरह कार्य करता है अथवा मौजूद किसी हरित ऊतक को नष्ट करता है। जंतु या कीट इसके साथ सीधे संपर्क पर मारे जाते हैं। विस्तृत प्रभावी पेस्टिसाइड जीवों की व्यापक प्रजाति फायदेमंद और नुकसानदायक कीटों दोनों को नष्ट या नुकसान करता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कीट में विशिष्ट लक्षण को निशाना बनाते हैं। हर्बिसाइड्स यानी शाकनाशी वो पेस्टिसाइड्स हैं जो अनचाहे पौधों को नियंत्रित या नष्ट करते हैं। लगभग 5000 हर्बिसाइड्स अमेरिका में उपयोग के लिए पंजीकृत हैं। सभी विविध कार्रवाई विधि और फार्मूला वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे आम इस्तेमाल वाले 5 तरह के हर्बिसाइड्स यानी शाकनाशियों के बारे में सीखेंगे। ये हैं ऑक्सीजंस एंजाइम ब्लॉकर्स फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर्स अमीनो एसिड और सेल ग्रोथ इनहिबिटर्स। वृद्धि नियंत्रक आमतौर पर सिंथेटिक ऑक्सीजंस के नाम से जाने जाते हैं। ये रसायन प्राकृतिक पादप हार्मोन्स की नकल करते हैं और नई डंठलों और पत्तियों में पादप कोशिकाओं की वृद्धि को बाधित करते हैं। वे प्रोटीन के उत्पादन और कोशिकाओं के सामान्य विघटन को प्रभावित करते हैं जिससे वृद्धि में गड़बड़ी होती है। सिंथेटिक ऑक्सीजंस ऊतकों की पानी और पोषक तत्व ले जाने वाली कोशिकाओं के विघटन और बगैर रुके वृद्धि करने का कारण बनकर भी पौधों को नष्ट करते हैं। अक्सर इसे मौत की तरफ खुद वृद्धि करना कहा जाता है। इसे किसी डंठल में एक सिरे को दूसरे के मुकाबले ज्यादा लंबा होते देखा जा सकता है। सल्फोनिल यूरिया फेनिल पिराजोलिन और इमिडाजोलोन ALS इनहिबिटर्स अथवा एंजाइम ब्लॉकर्स के उदाहरण हैं। ये वो रसायन है जो एस्टोलैक्टेट सिंथेस या LS कहे जाने वाले एंजाइम के सामान्य कार्य को बाधित करते हैं। ये एंजाइम एमिनो एसिड अथवा प्रोटीन सिंथेसिस में आवश्यक है। प्रोटीन के बिना पौधे भूखे मर जाएंगे। ये एंजाइम ब्लॉकर्स पौधों की विविध प्रजातियों को नष्ट करते हैं जिसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार फलीदार नरकुल और घास शामिल हैं। इनहिबिटर्स मुख्य रूप से घास को नष्ट करते हैं। ये एंजाइम घास के पौधों की जड़ों में लिपिड्स या चर्बी बनाने में मदद करता है। लिपिड्स के बिना कमजोर खरपतवार मर जाते हैं। फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर्स जैसे कि बायपिरिडिनियम और ट्राइजिनवे रसायन है जो प्रकाश संश्लेषण अथवा पौधों के भोजन बनाने की प्राकृतिक क्षमता में हस्तक्षेप करते हैं और पौधे की वृद्धि को बाधित करते हैं जिससे आखिरकार पौधे की मौत हो जाती है। हर्बिसाइड्स में एमिनो एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स शूट एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स और PPO इनहिबिटर्स भी हैं। अनेक शाकनाशी इन समूहों के अंतर्गत आते हैं जिनमें ग्लाइफोसेट एस्टोक्लोर और ट्राइफ्लुरालिन शामिल हैं। ये शाकनाशी कोशिका वृद्धि और विघटन को रोकते हैं अथवा बाधित कर देते हैं। पिगमेंट इनहिबिटर्स अथवा ब्लीचर्स वो शाकनाशी हैं जो उपचार के बाद किसी पौधे के ऊतक को सफेद बना देते हैं। उदाहरण में शामिल हैं ऑक्साजोलिडिनोन इसेक्सोजोल और ट्रिकेटोन। वे पौधों में क्लोरोफिल के उत्पादन को बाधित करते हैं जिससे पौधे के ऊतक सफेद हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रणाली बगैर कैरोटेनॉइड्स के धूप द्वारा आसानी से नष्ट की जा सकती है। इंसेक्टिसाइड्स
कीड़ों और अन्य ऑर्थोपोड्स को नियंत्रित करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स में मौजूद नसों और मांसपेशियों का जहर कीटों के भीतर मौजूद विभिन्न चैनलों, एंजाइम्स और ग्राहियों को बाधित, निरोधित, रोक, नष्ट या सक्रिय करता है। उदाहरणों में कार्बामेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट, पायरेथ्राइड्स, पायरेथ्रिन्स, फिप्रोनील, क्लोरीडेनेन, डीडीटी और नियोनिकोटिनॉइड्स शामिल हैं। इसके परिणाम स्वरूप लकवा, अति उत्साह प्रणालियों का बंद होना और अति उत्तेजित मांसपेशियों का संकुचन जैसे कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। मिडगट पॉइजन वो जहर हैं जो विषाक्त प्रोटीन के जरिए कीट के पेट पर आक्रमण करते हैं और आयनों या लवणों और दूसरे मिनरल्स को असंतुलित करते हैं और सेप्टिसीमिया या रक्त में जहर फैलने के कारण बनते हैं। उदाहरण में शामिल है बीटी टॉक्सिन्स जैसे कि बेसिलस थोरिनजिंसिस और बेसिलस स्फेरिकस। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स इनमें से किसी एक हार्मोन की नकल करके सीधे अंदरूनी झिल्ली की वृद्धि बाधित करके या फिर चर्बी निर्माण को नुकसान पहुंचाकर कीटों के सामान्य जीवन चक्र को बाधित करते हैं। इससे कीट अनिश्चित काल तक अवयस्क अवस्था में रहकर ही मर जाते हैं। रेस्पिरेटर्स माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेसिस के निरोधक प्रोटीन ग्रेडियंट को बाधित करके ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को अलग करने वाले अथवा माइटोकॉन्ड्रियल जटिल इलेक्ट्रॉन परिवहन निरोधक हो सकते हैं। ये कीटनाशी कीटों में कोशिकीय प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली ऊर्जा के उत्पादन को कम करके उन्हें क्रियाशील होने से रोकते हैं। इनके उदाहरण हैं मांसपेशियों की कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, देखने में दिक्कत और मांसपेशियों का समन्वय खत्म होना। अन्य अनजान या गैर विशिष्ट लक्षित कीटनाशी कम वर्णित लक्षित स्थलों या गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए अथवा गैर विशिष्ट रूप से विविध लक्ष्यों पर असर करने के लिए जाने जाते हैं।